जय भीम साथियों, आपका बहुत आभार कि आपने मेरी एक पहल अपने साहित्य को आप तक पहुंचाने के प्रयास को बहुत प्यार दिया। बहुत लोगों की शिकायत भी रही कि आपने बहुत छोटी कविताएं हम तक पहुंचाई। इसीलिए हम द वॉइस मीडिया पर आज से एक सीरीज चलाएंगे, जो कविताएं वो साहित्य जहां हमने अपनी कहानियां खुद लिखी हैं उसको समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये कविताएं आपको हमारे YouTube चैनल द वॉइस मीडिया पर रोज रात 9 बजे देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है इस बार भी आप उतना ही प्यार देंगे। चलिए उन कहानियों को मुख्य धारा बनाएं जो एक साजिश के तहत पीछे छोड़ दी गई है। जो कविता आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की कविता और फसल। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का जन्म 3 जून 1950 को यूपी के मुजफ्फरनगर के गांव बरला में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन आर्थिक और सामाजिक संकटों में बीता। अपनी आत्मकथा झूठन में उन्होंने कई ऐसे तथ्यों को उभारा है। एमए तक की शिक्षा लेने के बाद वह कुछ समय महाराष्ट्र में रहे। यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। बाद में देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी लगने के बाद वे वापस आ गए और यहीं से रिटायर हुए। इसी बीच वे लगातार हिंदी साहित्य और ऐसी रचनाओं का लेखन करते रहे जहां हमें अपनी कहानियां पढ़ने को मिली। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी कविताओं के जरिए लगातार दलित और जाति अपमान उत्पीड़न की पीड़ा को उठाया। 17 नवंबर 2013 को देहरादून में ही उनका कैंसर की वजह से देहांत हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का पहला कविता संग्रह 1989 में सदियों का संताप प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1997 में बस बहुत हो चुका और सन 2009 में अब और नहीं कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1997 में ही आत्मकथा झूठन, सन 2000 में प्रकाशित कहानी संग्रह सलाम और 2004 में प्रकाशित घुसपैठी उनकी प्रमुख रचनाएं रही। 2001 में उनकी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और 2009 में वाल्मीकि समाज के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक सफाई देवता प्रकाशित हुई। दलित साहित्य के क्षेत्र में लगातार काम करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब को 1993 में डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान, 1995 में परिवेश सम्मान, 2001 में कथाक्रम सम्मान, 2004 में न्यू इंडिया बुक पुरस्कार और 2009 में साहित्य भूषण पुरस्कार भी मिला। आज जो कविता हम आपके साथ साझा करने वाले हैं उसका नाम है कविता और फसल। ठंडे कमरों में बैठकर पसीने पर लिखना कविता, ठीक वैसे ही जैसे राजधानी में उगाना फसल कोरे कागजों पर। फसल हो या कविता, पसीने की पहचान है दोनों ही। बिना पसीने की फसल या कविता बेमानी है। आदमी के विरुद्ध आदमी का षड्यंत्र, अंधे गहरे समुद्र सरीखा जिसकी तलहटी में असंख्य हाथ नाखूनों को तेज कर रहे हैं, पोछ रहे हैं उंगलियों पर लगे ताजा रक्त के धब्बे, धब्बे जिनका स्वर नहीं पहुंचता वातानुकूलित कमरों तक और ना ही पहुंच पाती है कविता ही, जो सुना सके पसीने का महाकाव्य जिसे हरिया लिखता है चिलचिलाती दोपहर में धरती के सीने पर फसल की शक्ल में। अब से रोज रात हम 9 बजे आपके साथ साझा करेंगे ऐसी ही और कविताएं। ऐसी ही और कविताओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।